ओम शांति। 16/9/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हट नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। चौथा, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे, उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठवा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत, तूने रात गवाई सो के, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते, वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। ओम शांति।